दोस्तों, आप सभी ने कलश टीवी पर प्रसारित होने वाला शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की तो देखा ही होगा, जो कि एक ट्रांसजेंडर की कहानी पर आधारित है, जिसे दर्शकों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस शो के सभी किरदारों को दर्शक काफी ज्यादा पसंद करते हैं और एक ऐसा ही किरदार है सौम्या का, जो इस सीरियल में ट्रांसजेंडर की भूमिका अदा करते हुए नजर आ रही है, जिनके इस किरदार को दर्शक बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस शो में सौम्या का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके पति के बारे में जानते हैं कि वह कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी उनके पति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। साथ ही इस जबरदस्त शो के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको बता दें कि सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में सौम्या का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम रूबीना दिलायक है, जिनका जन्म 26 अगस्त 1987 को शिमला में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिमला पब्लिक स्कूल से की है, जिसके बाद सेंट बेडे कॉलेज से इन्होंने अपने ग्रेजुएशन को पूरा किया है। बात करें अगर इनके अभिनय करियर के बारे में तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जी टीवी के पॉपुलर शो छोटी बहू से की थी। इस शो में ये राधिका का किरदार निभाते हुए नजर आई थी। शो में इनके साथ अविनाश सचदेवा नजर आए थे, जिनके साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इसके बाद इन्होंने कई और सीरियलों में काम किया, जिनमें सास बिना ससुराल, देवों के देव महादेव और छोटी बहू सीजन 2 जैसे सीरियल शामिल है। इन सीरियलों में इनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वर्तमान समय में इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है और ये कलश टीवी के शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में सौम्या का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के पति के बारे में तो इनके पति का नाम अभिनव शुक्ला है, जो कि इन्हीं की तरह एक जाने माने अभिनेता है, जिन्होंने कई टीवी सीरियलों में काम किया है। आपको बता दें कि रूबीना और अभिनव शुक्ला की लव मैरिज है। इन दोनों की पहली मुलाकात टीवी सीरियल छोटी बहू के सेट पर हुई थी, जहां ये दोनों एक ही शो में काम कर रहे थे। इस शो के दौरान ये दोनों पहले एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बने और धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद काफ़ी लंबे समय तक डेट करने के बाद इन दोनों ने साल 2018 में एक दूसरे से शादी कर ली और आज ये दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। तो दोस्तों, आपको रूबीना और अभिनव शुक्ला की जोड़ी कैसी लगती है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।